आज के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं पांच ऐसे जानवर जो क्रोकोडाइल का शिकार करते हैं और क्रोकोडाइल की जनसंख्या नियंत्रण करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है लायन, जिसे हिंदी में शेर भी कहते हैं। लायन जोश में क्रोकोडाइल का शिकार करते हैं। युवा क्रोकोडाइलों का शिकार। जब युवा क्रोकोडाइल पानी के किनारे पर आते हैं तो लायन उनका शिकार करने का प्रयास करते हैं। लायन की स्विमिंग क्षमता का फायदा उन्हें क्रोकोडाइलों के पास पहुंचने में मिलता है और वे उन्हें मार सकते हैं। लायन आक्रमण की रणनीति का उपयोग करके क्रोकोडाइलों के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें पकड़ने में मदद करता है। जब क्रोकोडाइल समुद्र के किनारे पर होते हैं तो लायन उनके पीछे दौड़कर जाते हैं और उनका शिकार करते हैं। जब लायन विशेष प्राकृतिक निवास स्थलों पर आते हैं तो वे वहां के क्रोकोडाइलों का शिकार कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर तेंदुआ, जो लायन के बाद सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल का शिकार करते हैं। तेंदुए अक्सर पानी के किनारे पर जांच करते हैं और यदि वे किसी क्रोकोडाइल को देखते हैं तो वे उसकी ओर बढ़ते हैं। तेंदुए पानी में छिपने की क्षमता रखते हैं, जो उन्हें क्रोकोडाइलों के करीब पहुंचने में मदद करती है। तेंदुए क्रोकोडाइलों के खिलवाड़ी होते हैं और वे उन्हें पकड़ने में अपनी सर्पिलता का उपयोग करते हैं। तेंदुए पेड़ों पर चढ़कर क्रोकोडाइलों का पता लगाते हैं और वहां से शिकार करते हैं। तेंदुए अक्सर बिना आवाज किए ही क्रोकोडाइलों के पास पहुंचते हैं और उन्हें हमला करते हैं, जो उनके शिकार की सफलता में मदद करता है। तीसरे स्थान पर है बाघ, जो तेंदुआ के बाद सबसे ज्यादा शिकार करते हैं। बाघ अक्सर पानी के किनारे पर जांच करते हैं और यदि वे किसी क्रोकोडाइल को देखते हैं तो वे उसकी ओर बढ़ते हैं। बाघ पानी में भी शिकार कर सकते हैं, जो उन्हें क्रोकोडाइलों के करीब पहुंचने में मदद करता है। बाघ अक्सर क्रोकोडाइलों के पीछे धीरे धीरे बढ़ते हैं और उन्हें अचानक हमला करते हैं, जिससे उनके शिकार की सफलता में मदद मिलती है। बाघ पेड़ों पर चढ़कर क्रोकोडाइलों का पता लगाते हैं और वहां से शिकार करते हैं। जब क्रोकोडाइल समुद्र के किनारे पर होते हैं तो बाघ उनके पीछे दौड़कर जाते हैं और उनका शिकार करते हैं। चौथे स्थान पर है हायना, जो सबसे ज्यादा शिकार करते हैं बाघ के बाद क्रोकोडाइल का। हायना कई बार क्रोकोडाइल के अंडे और बच्चों का शिकार करते हैं जब वे पानी से दूर निकलते हैं। हायने बड़े क्रोकोडाइलों को चिढ़ाते हैं और उनका छीलने का प्रयास करते हैं, जिससे यह उनके बच्चों का भोजन बन सकता है। हायने समूह में मिलकर क्रोकोडाइल का शिकार करते हैं, जो उन्हें शिकार करने में मदद कर सकता है। हायने मृत क्रोकोडाइलों की खोज करके उनका शिकार करते हैं, जो पानी में मर गए होते हैं। हायने जीवित या मृत क्रोकोडाइलों के खूबसूरत स्क्रैप का उपयोग करके उनका भोजन कर सकते हैं। पांचवें स्थान पर है जैगुआर, जो सबसे ज्यादा शिकार करते हैं क्रोकोडाइल का। हायना के बाद अचानक हमला। जैगुआर अक्सर अचानक क्रोकोडाइलों पर हमला करते हैं, जो उनके वानस्पतिक आक्रमण और बल का इस्तेमाल करते हैं। जल में शिकार। जैगुआर पानी में भी शिकार कर सकते हैं, जिससे उन्हें क्रोकोडाइलों के करीब पहुंचने में मदद मिलती है। सर्पिलता का इस्तेमाल। जैगुआर सर्पिलता का इस्तेमाल करके अपने शिकार को पकड़ते हैं, जो उन्हें क्रोकोडाइलों के प्रति आक्रमण में मदद करता है। वनस्पतिक आक्रमण। जैगुआर जंगली क्षेत्रों में अपने वनस्पतिक आक्रमण का इस्तेमाल करके क्रोकोडाइलों का शिकार करते हैं। आक्रमण की रणनीति। जैगुआर आक्रमण की रणनीति का उपयोग करके बिना आवाज किए ही क्रोकोडाइलों के पास पहुंचते हैं और उन्हें हमला करते हैं, जो उनके शिकार की सफलता में मदद करता है। इसी के साथ आज यह एपिसोड समाप्त हुआ।
यह वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, क्योंकि इसे बनाने में हमें काफी समय लगी है। धन्यवाद।